मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल्स की। अ ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक ट्राइंगल एक फिगर होती है जो थ्री लाइन सेगमेंट से क्लोज होती है। इन द फॉलोइंग फिगर थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी ए फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा था बच्चों लाइन सेगमेंट्स के बारे में, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो देन ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है एंड ए सी भी एक लाइन सेगमेंट है। और इस तरह से ये थ्री लाइन सेगमेंट्स मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अब बात होती है बच्चों कि ट्राइंगल में थ्री लाइन सेगमेंट्स के साथ साथ थ्री क्या होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं। ये जहाँ पर टू आर्म्स मतलब टू लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं वो वर्टेक्स कहलाते हैं। तो इसमें थ्री वर्टेक्स हुए ए बी एंड सी। इसमें थ्री ही एंगल्स होते हैं बच्चों कि जैसे ये इस लाइंस को अगर हम कवर कर लेते हैं तो इस तरह से ए बी सी एक ट्राइंगल्स बन जाता है। इसी तरह जब हम इसको वो करेंगे छुपाएंगे तो हमारा एक ट्राइंगल बी सी ए बनेगा। और इसी तरह से अगर हम इसको मतलब इस साइड वाले को छुपाएंगे ऐसे तो हमारा एक एंगल्स बनेगा बी ए सी। तो इसका मतलब कि भाई हमारी ट्राइंगल में क्या कहेंगे हम, इट हैज़ थ्री लाइन सेगमेंट्स, इट हैज़ थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल। ट्राइंगल के जो सिंबल होता है बच्चों वो इस तरह से होता है कि आप इस तरह से एक सिंबल बना देंगे तो ये ट्राइंगल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल का टू वेज। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल इन टू वेज, दो तरीके से होता है। एक तो उसके साइड के बेसिस से बच्चों और दूसरा उसके एंगल्स के बेसिस से। तो सबसे पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे ट्राइंगल्स की। तो जो सबसे पहली ट्राइंगल आती है वो होती है हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो वो ट्राइंगल हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। सेकेंड ट्रेंगल आती है हमारी आइसोस्केल्स ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में केवल दो साइड ही इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, आइसोस्केल्स ट्रेंगल में ओनली टू साइड्स इक्वल। और थर्ड आती है हमारी स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल में क्या होती हैं कि उसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, कि तीनों ही साइड्स अनइक्वल यानी कि बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती। जैसे एम एन अलग है तो एन ओ अलग है और एम ओ बिल्कुल अलग है, तीनों की लेंथ बिल्कुल ही अलग होगी। इस तरह से ये थ्री टाइप्स हो गए ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। अब बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल्स में भी थ्री टाइप्स ट्रायंगल होती हैं बच्चों। सबसे पहली होती है एक्यूट एंगल, सेकेंड ओबट्यूस और थर्ड राइट। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 12.2 और 3 में सीखा था कि हमने एंगल सीखे थे जीरो, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड रिफ्लेक्स, बट यहाँ पर हम थ्री टाइप्स की यहाँ पर बातें करेंगे। एक्यूट एंगल वो होते हैं बच्चों जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 से तो बड़े और 90 से कम। तो जितने भी जब एक ट्राइंगल्स के जो एंगल होंगे बच्चों तीनों के तीनों, ध्यान रहे यहाँ पर हमें तीन एंगल दिए गए होंगे एक ट्रायंगल के और तीनों को ही हमने देखना है। अगर वो तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन है तो हमारी ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगी। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारा ओबट्यूस ट्रायंगल। ओबट्यूस आप सभी जानते हो कि ओबट्यूस एंगल वो होते हैं जो बच्चों ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 से तो ज़्यादा हो 180 से कम हो, तो वो एंगल ओब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। इसी तरह जब हमारी ट्राइंगल में, अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि केवल एक एंगल तीनों एंगल्स में से केवल एक एंगल ओब्ट्यूस होना चाहिए तब हमारी ट्राइंगल ओब्ट्यूस ट्राइंगल कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आती है हमारी राइट ट्राइंगल। राइट एंगल से भी जानते हो कि 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह जो हमारी ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा यानी कि राइट एंगल होगा तो हमारी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम
एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं कि आपने ट्रायंगल क्या होती है, फिर ट्रायंगल के वर्टेक्स, साइड और एंगल यहाँ पर मैंने आप सबको लिख के दिखाए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल टू टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल मैंने इनकी डिफाइंस दी हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। फिर जैसे आइसोस्केल्स में अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स और स्केलन ऑल अनइक्वल साइड्स। सिंपल याद रखने वाली बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। साथ में इनकी फिगर भी आपने ड्रॉ ऐसे ही करनी है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल, तो एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। इस तरह से जब ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यहाँ पर 60 के बजाय 50 भी हो सकता है बच्चों, 70 भी हो सकता है, 40, यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपके तीनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल में सिर्फ एक एंगल, वन ऑफ इट्स एंगल ऑब्ट्यूस। ठीक है, थर्ड राइट ट्रायंगल जो होगी उसमें वन ऑफ इट्स एंगल राइट एंगल, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी राइट एंगल, राइट ट्रायंगल कहलाएगी। फिर हमारी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों ट्रायंगल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी आपकी, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। कि हमारी एंगल जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आप ऊपर भी ध्यान देंगे बच्चों, तो अगर आप देखेंगे ना इन तीनों को जोड़ के, तो ऑलवेज जो आपका जोड़ होगा, जो सम होगा, वो 180 के ही इक्वल होगा। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि जो हमने इस अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स पढ़ा था कि भाई हमेशा याद रखना बच्चों कि ट्रायंगल में जो हमारी सम लेंथ आएगी, कि ट्रायंगल में किसी भी टू साइड्स का जोड़, यानी कि मान लो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इस तीसरी से ग्रेटर होगा इन दोनों का जोड़। अगर इन दोनों को जोड़ूंगी तो मैं इससे ग्रेटर होना चाहिए, इन दो को जोड़ूंगी तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आपकी बात ये साबित होती है कि दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, देन ही आपकी जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं मानी जाती। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 13.1, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस एडजॉइनिंग फिगर को देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आपको एक ट्रायंगल दी गई है बच्चों पी क्यू आर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड्स बताइए। तो साइड्स होती हैं बच्चों जो लाइन सेगमेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए आप पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ठीक है बच्चों, थ्री साइड्स इसकी हैं, हो गई। फिर है नेम द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, वर्टेक्सेस बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो वन वर्टेक्स पी है, सेकंड क्यू और थर्ड आर। तो आप लिखेंगे पी क्यू एंड आर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पूछा गया आपसे नेम द एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल्स बताने हैं आपने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, हमेशा याद ध्यान रखना जो पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी एंगल लिखते हैं हम, जिस एंगल को भी मानते हैं वो एंगल हमेशा बीच में लिखा जाएगा। जैसे मान लो हम एंगल पहले क्यू मान रहे हैं, तो एंगल कैसे लिखेंगे हम, पी क्यू आर। तो सबसे पहला एंगल हम लिखते हैं तो लिखेंगे पी क्यू आर। नेक्स्ट है, अगर हम आर को मान रहे हैं तो आर को भी हम बीच में ही रखेंगे, तो हम लिखेंगे क्यू आर पी, क्यू आर पी। अब क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, तो अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एंगल पी। तो क्या लिखेंगे, आर पी क्यू, आर पी क्यू। ठीक है बच्चों, हमेशा ये ध्यान ही रखना है कि जो भी एंगल होगा वो हमेशा बिटवीन में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू इक्विलेटरल आइसोस्केलन ट्रायंगल्स। आपने जो लंबाई दी गई है, लेंथ दी गई है बच्चों आपको एक ट्रायंगल्स की, और आपने इनको ये बताना है कि ये इक्विलेटरल है, आइसोस्केल्स है या स्केलन ट्रायंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले से आपने क्या करना है बच्चों, जो आपको ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल एबीसी, उसमें आपको एक साइड दी गई है ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बीसी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर एंड सीए दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे तो लिख लीजिए पहले कि ए बी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर और सी ए यानी कि थर्ड साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बच्चों कि इन तीनों में आपको क्या नज़र आ रही है, टू साइड्स इक्वल नज़र आ रही हैं और तीसरी बिल्कुल अलग है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? यस, आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स में क्या होती हैं, ओनली टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू साइड्स आर इक्वल। अब दो साइड इक्वल है तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, सिर्फ सिंपल ही याद रखना, ज़्यादा डेफिनेशन में जाओगे तो शायद आप भूल भी सकते हो, कि सिर्फ ये याद रखना इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केल्स ओनली टू साइड्स आर इक्वल एंड स्केलर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपकी जो ट्राइंगल हुई बच्चों वो क्या हुई, सो ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए आप ये चिन्ह बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, सिंपल। आपने तीनों साइड्स लिखनी है, तीनों में देखना है कि कितनी साइड्स हमारी इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमें नज़र ही आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी है हमारी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी है 3.8 सेंटीमीटर एंड सी ए है 6 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, क्या तीनों एक जैसी हैं? नहीं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, बिल्कुल सारी साइड्स जो है ना क्या हैं, अनइक्वल हैं, एक जैसी नहीं है। तो आप लिखोगे ऑल अनइक्वल साइड्स, ऑल अनइक्वल साइड्स, सारी की सारी जो है ना अनइक्वल साइड्स हैं। तो जो हमारी ट्रायंगल हुई, सो द ट्रायंगल ए बी सी इज अ स्केलन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये लिख देना है। इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। देखो कि ट्रायंगल एबीसी में आपको ए बी दी है 8 सेंटीमीटर, बी सी आपको 4 सेंटीमीटर एंड सी ए 6 सेंटीमीटर्स है। तो ऑल साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं, तो आप लिखोगे ऑल अनइक्वल साइड्स। तो हमारी ट्रायंगल क्या हुई, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट में भी बात करते हैं, तो नेक्स्ट बच्चों देखो सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स हैं तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट में बात करते हैं, तो हमें साइड दी गई है ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड सी ए 4 सेंटीमीटर। अब सारी की सारी साइड्स क्या हैं बच्चों, अनइक्वल हैं, तो आप लिखोगे ऑल अनइक्वल साइड्स, देन द ट्रायंगल ए बी सी इज अ स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट की लास्ट पार्ट की बात करते हैं, तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें देखो टू साइड्स इक्वल दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी ट्रायंगल ए बी सी क्या हुई, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हुई। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग ट्रायंगल्स इनटू एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट ट्रायंगल। अब आपने इन ट्रायंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग बताना है कि ये ट्रायंगल्स कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमें ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए दिया है 90 डिग्री,
एंगल बी दिया है 60 डिग्री, एंगल सी दिया है 30 डिग्री। जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहले ही याद किया है, तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो तो वो हमारी ट्रायंगल कौन सी बनती है? यस, राइट ट्रायंगल बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हम पहले कैसे लिखेंगे। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, इन तीनों में जो है ना क्या है कि इन तीनों में जो एक एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज 90 डिग्री। जो हमारा एंगल ए है वो क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। तो हमारी ट्रायंगल क्या हुई? सो ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल, है ना बच्चों? सिंपल, सिर्फ आपने वही बात याद रखनी है कि हमने तीनों एंगल्स को देखना है। एक 90 डिग्री है तो हमारी राइट एंगल हो गई। अब इसे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सिंपल है, नेक्स्ट में हम तीनों को ऑब्जर्व करेंगे। तो ए 25 है, बी 50 है एंड सी 105 है, तो ये ग्रेटर देन 90 हो गया। ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस है तो हमारी कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? यस, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही इसको भी लिखना है। एंगल ए इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री। तो इन तीनों में अगर हम बात करते हैं तो एक एंगल हमारा क्या है बच्चों? यस, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे? वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 105। 105 कौन सा है? एंगल सी है ना, तो यहाँ पर एंगल सी भी आप बता सकते हो कि हमारा एंगल सी 105 डिग्री है। तो हमारी ट्रायंगल जो हमारी एबीसी है तो वो ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी? सो ट्रायंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूस। ठीक है बच्चों, क्या है ये? हमारी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? इस तरह से ही आपने जो और पार्ट है इसके वो भी ऐसे ही आपने बताने हैं। तो देखो, जैसे इसमें सारे के सारे जो एंगल्स हैं हमारे वो बिल्कुल लेस देन 90 डिग्री हैं, तो सभी एक्यूट एंगल हैं, तो हमारी ट्रायंगल भी कौन सी हो जाएगी बच्चों? एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगी। अगर नेक्स्ट में बात करते हैं तो देखो, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि ये एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। तो अब इसमें यही बताएंगे, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100, कि एक एंगल क्या है? 100 डिग्री है। तो जो हमारी ट्रायंगल एबीसी है वो हमारी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहलाएगी। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, देखो मैंने बताया था ना कि सभी के सभी इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखो 50, 60 एंड 70 तीनों ही 90 से लेस देन है, यानी कि तीनों ही एक्यूट हैं। तो ऑल एंगल्स आर एक्यूट, देन द ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट ट्रायंगल। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, लास्ट पार्ट है हमारा ट्रायंगल एबीसी में 40 डिग्री, 41 डिग्री एंड 99 डिग्री है। अब 99 को अगर हम देखते हैं तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है बच्चों। तो आप लिखोगे वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 99, यानी कि ये 90 से ग्रेटर है। एंगल सी है तो सो ट्रायंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।